हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो को जब आप देखेंगे, मतलब 23 अप्रैल, ये होगा मेरा हैप्पी बर्थडे। तो आप मुझे विश कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि लास्ट 4-1 साल से मैं अपने बर्थडे को आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ हर साल। तो मुझे ना आपके बहुत प्यारे प्यारे विशेष हर जगह मिलते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, मेल हो, हर जगह आपके बहुत सारे प्यारे कमेंट्स और बहुत सारे अच्छे विशेष आते हैं, जो कि मेरा बर्थडे हमेशा की तरह बहुत अच्छा बना देते हैं। वैसे एक्चुअल में जब मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, आज तो है 20 अप्रैल, पर मैंने ये प्लान किया है कि ये मेरा जो बर्थडे मेकअप वाला वीडियो है, ये 23 अप्रैल को टाइम से पोस्ट हो जाए, पब्लिश हो जाए। सो इस बार काफ़ी डिफरेंट है मेरे लिए ये बर्थडे, और मैं आपको बता दूँ, मेरा अंदर से मन भी नहीं हो रहा है कि मैं ये बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, पर हर साल मैं कुछ ना कुछ अपने चैनल पर अपने बर्थडे के रिलेट में पोस्ट या पब्लिश ज़रूर करती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक मेकअप लुक या मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँ। हालांकि आज का मेकअप बहुत हेवी या डिफरेंट ऐसा नहीं होगा, पर मैं कुछ ऐसे न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करने जा रही हूँ, जिसे रिसेंटली 1-2 दिनों पहले ही मैंने मतलब ट्राई किया था, एंड मुझे ये टेक्निक बहुत पसंद आई। तो उसी टेक्निक के हेल्प से मैं अपना ये जो मेकअप है ये करने जा रही हूँ। सो सबसे पहले तो मैंने बर्फ़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बर्फ़ जो है अपनी त्वचा पर इस तरह से रब करना चाहूँगी। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि गर्मियों के दिन है तो मेकअप बहुत जल्दी ऑयली होता है, और जब मेकअप ऑयली होता है और मेकअप और ऑयल दोनों एक साथ मिलते हैं तो चेहरा थोड़ा काला लगने लगता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा जो चेहरा है वो थोड़ा भी ऑयल ना रिलीज़ करे, इसलिए मैं मेकअप करने से कुछ मिनटों पहले बर्फ़ के टुकड़े से मसाज कर रही हूँ। और गर्मी सच में इतनी ज़्यादा है कि ये बर्फ़ का टुकड़ा अभी इतना था और अभी ये इतू सा रह गया है, बहुत फास्ट पिघल गया। अभी तो मैं लगा भी नहीं सकती, मुझे जाकर दूसरा बर्फ़ का टुकड़ा लाना पड़ेगा। और साथ ही साथ गर्मी से बचने के लिए एक ग्लास पानी ले लिया है। मेकअप भाई होते रहेगा, पर खुद को हाइड्रेट रखना और सेफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पानी मैं पीती रहती हूँ। और यहाँ पर बर्फ़ का टुकड़ा तो गल गया है, तो मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। चेहरे पर बर्फ़ लगाकर थोड़ा समय हो चुका है, अब मेरी त्वचा बहुत अच्छे से तैयार है मेकअप को लगवाने के लिए। और ये वाली टेक्निक मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर गर्मियों के दिनों में आप भी थोड़ा बहुत मेकअप करना चाहते हैं तो बर्फ़ ज़रूर रगड़ लीजिए चेहरे पर, इसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं इस मेकअप ट्यूटोरियल को, जो कि थोड़ा सा बातूनी होने वाला है। गुड वाइब्स का रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम के कुछ ड्रॉप्स को मैंने अपने हथेली पर लेकर चेहरे पर मसाज करते हुए इसे लगा रही हूँ। ये मेरी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है, स्मूदनेस बढ़ाता है त्वचा में। इन्फ्यूज्ड है ये रोज़ हिप एक्सट्रैक्ट से, जिसकी मदद से अनइवन स्किन टोन भी काफ़ी ब्राइटन लगती है और ये त्वचा को ग्लोइंग बनाए रखता है। इस समय ना मुझे जहाँ तक लगता है कुछ लोग आएंगे और मुझे जज ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनके लिए काफ़ी आसान है मुझे जज करना, क्योंकि जो करंट सिचुएशन हमारे फैमिली के साथ हो रखी है, उस सिचुएशन के साथ वो लोग यही बोलेंगे कि तुम्हें मेकअप नहीं करना चाहिए, तुम्हें वीडियो नहीं बनाना चाहिए, या तुम्हें तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली जो सिचुएशन इस समय है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, सच में कोई मेरा भी मन नहीं है। और मेकअप एक ऐसी चीज़ है ना जो मुझे हेल्प करता है करंट सिचुएशन से थोड़ा बाहर आने में। मुझे मेकअप करते समय एक अलग ही हैप्पीनेस होती है, और मैं थोड़ा सा गुम हो जाती हूँ उन मेकअप प्रोडक्ट्स में। और उस समय ना मुझे जो भी करंट सिचुएशन चल रही होती है उससे थोड़ा सा उभरने का समय मिल जाता है। सो मैं आपको बस इतना बोलूँगी, मतलब सबको नहीं, कुछ ऐसे लोगों को, कि जज करना बहुत आसान है, पर जो जिस सिचुएशन से गुज़रता है वही उस सिचुएशन को समझता है।
सो ट्राई टू बी काइंड, ठीक है। लाइफ वैसे ही बहुत लंबी चौड़ी नहीं है हमारे साथ, तो जितने भी दिन है हम सबके पास, चाहे ज़्यादा दिन हो कम दिन हो, हमें खुद भी नहीं पता। सो बेटर है कि हम सबके साथ काइंड रहे, जितना पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं उतना करें, रादर देन जस्ट जज करने से, राइट। तो वेल मॉइस्चराइज मैंने अपनी त्वचा को कर ही लिया है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। लिप्स को प्रिपेयर करने के लिए पर्पल का चाइल्डहुड बेस्टीज लिप बाम मैं लगा रही हूँ, शेड है रोज़ 5, और ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज एंड सॉफ्ट रखता है लिप्स को, जिसकी मदद से जब हम लिपस्टिक लगाते हैं बहुत इजीली लग जाती है और लिपस्टिक काफ़ी लंबे समय तक लिप्स पर टिकी रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिप्स हमेशा मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रहे तो इस लिप बाम को ट्राई ज़रूर करें। और हाँ, मेरी आदत है कि मैं हमेशा मेकअप स्टार्ट करने से पहले बॉडी पर परफ्यूम ज़रूर स्प्रे करती हूँ, जिससे मुझे इसकी भीनी भीनी सी खुशबू आती रहे। वैसे ये है एल का सोशिक परफ्यूम। वेल मॉइस्चराइज त्वचा पर जो कंसीलर मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो है स्टे क्विर्की का हाइट माय हिक्की 08 शेड। इसका जो पूरा एक पैकेजिंग है आप देख सकते हैं, काफ़ी कूल है। बस इस तरह से ट्विस्ट किया, यहाँ के जो एप्लीकेटर पर है प्रोडक्ट आ जाता है, और फिर इस ब्रश की मदद से आँखों के नीचे इस तरह से मैंने कंसीलर को अच्छे से लगा लिया है। और कंसीलर को अच्छे से इवनली स्प्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर वेट स्पॉन्ज का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये कंसीलर बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, हाईली पिगमेंटेड है, इसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से लग जाता है। हाईली पिगमेंटेड तो है ही है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। ये गाना जो है ना तनु वेट्स मनु का, मुझे काफ़ी सूदिंग सा लगता है, अच्छा लगता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बोला था कि मेकअप थोड़ा सा मैं यूनिक तरीके से करूँगी, आई नो मैं वही आपको दिखाने जा रही हूँ, बट स्टेप्स थोड़े से कॉमन लगेंगे बट आगे चलकर थोड़े से बदल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कंसीलर लगाया है उसी के बाद मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, उसके बाद आपको स्टेप्स जो है मेकअप के थोड़े से अलग दिखेंगे। फाउंडेशन के लिए यहाँ पर लॉरियल पैरिस का इनफैलिबल 24 आवर फ्रेश वेयर फाउंडेशन का इस्तेमाल मैं करने जा रही हूँ। ये है 300 शेड एम्बर, जो कि मेरी स्किन टोन से परफेक्टली मैच करता है, हाईली पिगमेंटेड है और समर डेज के लिए भी परफेक्ट है। इसे लगाने के लिए भी मैं स्पॉन्ज का इस्तेमाल कर रही हूँ, स्पॉन्ज की मदद से ये अच्छे से मेरी त्वचा में ब्लेंड हो जाता है। कॉन्टोर करने के लिए पर्पल का ये जो कंसीलर पैलेट में से हल्का सा ऑरेंजी शेड है ना, उसे देखिए मैं यहाँ पर चीक्स के बीच में लगा रही हूँ। इसका रीज़न यही है कि ये शेड काफ़ी नेचुरल दिखता है। कई बार जो ब्राउन डार्क शेड्स होते हैं जो हम लोग यूजली कॉन्टोर के लिए यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डार्क सा एक लुक क्रिएट करते हैं। एक बार ये वाली ट्रिक आप ट्राई करिए, मुझे बहुत अच्छी लगी। और हाँ, ये पर्पल का कंसीलर पैलेट बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और इसी के साथ बहुत इजीली ब्लेंड भी हो जाता है। अगर कोई कंसीलर अच्छा आप सर्च कर रहे हैं अपने लिए तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। अब यहाँ पर पर्पल का पावर कपल 2-in-1 ब्रॉन्जर का मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। और यहाँ पर जो ब्रॉन्जर है जो हाईली पिगमेंटेड है और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, इसका टेक्सचर पाउडरी है, इसकी वजह से इसे लगाना बहुत आसान हो जाता है। इस ब्रॉन्जर को आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ अपने चीक्स पर और हल्के से आईब्राउज के ऊपर की तरफ, जिससे एक डिफाइंड चेहरे पर लुक आए, जिसका एक लुक ना आपको पूरा मेकअप जब हो जाएगा ना तब दिखाई देगा। इस समय आप सिर्फ ब्रॉन्जर लगाते हुए मुझे देख पा रहे होंगे, पर इसका रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आँखों के नीचे जो मैंने कंसीलर लगाया था और उसी के बाद फाउंडेशन लगाया था, उन दोनों को वेल सेट करने के लिए स्टे क्विर्की का न्यूडीज का ये वाला वार्म कैरेमल स्वीट हार्ट 5 शेड में आँखों के नीचे स्पॉन्ज की मदद से डैप करते हुए लगा रही हूँ। ये काफ़ी नेचुरल लुक देता है। बेस्ट पार्ट की ये जो शेड है काफ़ी अच्छा दिखता है, फ्रेश दिखता है और ऐसा दिखता है कि बिल्कुल फील नहीं होता कि आपने एक्स्ट्रा कुछ लगाया है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ये लंबे समय तक चेहरे पर पसीने को आने भी नहीं देता और एक बहुत ही अच्छा मैट फिनिश आपको दिखता रहता है।
और अपने हाई बोन्स को अच्छे से हाईलाइट करने के लिए मैक का स्ट्रोब क्रीम यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैंने शेड लिया है पिंक लाइट। ये आता है क्रीम फॉर्म में, तो इसे लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो जो भी हाई पॉइंट्स है वहाँ पर मैं इसे अच्छे से अपने हाथों की मदद से लगा रही हूँ। अब मैं एक बार यूज़ करूँगी लूज़ पाउडर, जो कि है स्टिक क्वर्की का गेट डाउन एंड डर्टी सिक्स। ये वाला जो लूज़ पाउडर है बहुत अच्छा एक लुक देता है पूरे मेकअप को, और जो भी चीज़ें मैंने लगाई है ब्रॉन्ज़र वगैरह उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सेट डाउन करता है और एक नेचुरल फिनिश देता है। इसलिए मैं इसे हल्के हाथों से अपने चेहरे पर लगा रही हूँ, और आप देख सकते हैं ब्रश को भी मैं सर्क्यूलर मोशन में इस तरह से घुमाते हुए लगा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि ये बहुत हल्का सा लगेगा और चेहरा काफी नेचुरल लगेगा। हमने तो लेमन ही सोचना आईब्रो के लिए यहाँ पर मैं NYB का ब्रोकलाइन ब्रिज आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। वाटर रेजिस्टेंस, स्मच प्रूफ एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इजीली ब्राउज को डिफाइन कर देती है। तो बात की जाए अगर मेरे आईब्रोज की, तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में गड़बड़ लग सकता है। लास्ट मोर देन वन ईयर से खुद ही आईब्रोज कर रही हूँ विथ हेल्प ऑफ प्लकर, तो यही होना है, आप देख सकते हैं ना थोड़ा सा। तो यहाँ पर नवी मुंबई, मुंबई की तो कंडीशन, इनफैक्ट पूरे इंडिया की कंडीशन इस समय काफ़ी वर्स्ट हो रखी है ड्यू टू कोविड। एंड घर पर है ना सेफ है, और सेफ है कि आप कहीं बाहर ना जाए, राइट? तो ये थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है, राइट? तो जब जान रहेगी तभी तो पार्लर जाने लायक बचेंगे, है ना? सो पता नहीं वो दिन कब आएगा कि पार्लर दीदी से जाकर मैं मिलूंगी और बोलूंगी कि दीदी यहाँ से पतला मत करना, यहाँ से मोटा रखना। मतलब मैं तरस गई हूँ ये लाइन बोलने के लिए, क्योंकि मुंबई के हालात सच में दिन ब दिन ऐसे हो गए कि अब तो लगता ही नहीं है कि हम कभी इस सिचुएशन से निकलेंगे भी। पर बोलते हैं ना कि पॉजिटिव सोचना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, वरना सब ठीक कैसे होगा। तो ठीक है, यही सोचते हैं कि भाई जल्द आएंगे वो दिन भी। वैसे आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कितने दिन हुए पार्लर ना जाकर, ठीक है? अगर आप थोड़े छोटे शहर से हैं तो हो सकता है कि आप चले भी गए होंगे, दीदी से मिल भी आए होंगे। पर मुंबई वगैरह के हो, दिल्ली वगैरह के हो, जहाँ जहाँ बड़ा है एक्चुअली कोविड, वहाँ के हो, तो आपका भी आंसर मैं समझ सकती हूँ यही होगा कि हाँ हमने भी ऑलमोस्ट एक साल से पार्लर दीदी को नहीं देखा। चिक्स में हल्का सा मैं चाहती हूँ कि एक बहुत प्यारा सा पिंक शेड दिख कर आए, इसलिए मैं यहाँ पर स्टिक वर्की का जिस तरह से हमने लूज़ पाउडर इस्तेमाल किया था, वैसे ही ये लूज़ ब्लश जो है बहुत ही प्यारे से पिंक शेड में उसे लगा रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और शेड है 1RXXU7। इसे मैं अपने चिक्स पर भी लगा रही हूँ और हल्का सा नाक पर भी लगा रही हूँ, क्योंकि इस ट्रेंड को आपने देखा होगा कि नाक पर भी हल्का सा जब हम ब्लश लगाते हैं ना तो लुक काफ़ी खिल कर आता है। एक बार आप भी ट्राई करिएगा। और ये जो ब्लश है काफ़ी पिगमेंटेड है एज वेल एज काफ़ी नेचुरल फिनिश देता है, लंबे समय तक टिका रहता है और लगाने में काफ़ी आसान है। आई मेकअप के लिए ये क्रुएल्टी फ्री वाला वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो शेड है ये है कंफर्ट जोन। इसमें जितने भी शेड है ना वो बहुत प्यारे हैं। मेरा ब्लेंडिंग ब्लश जो है आप देख सकते हैं काफ़ी आपको मोटा सा दिखेगा, बट बिलीव मी इसकी मदद से ये जो ट्रांजिशन कलर है ये बहुत आसानी से आँखों पर लग जाता है, जिसका जो रिजल्ट है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं इस ट्रांजिशन शेड को लगाने के बाद ये जो ग्रीन शेड आपको दिख रहा है ना इसे मैं अपने फिंगर्स की मदद से ही लगा रही हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने किसी भी ब्रश का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है, फिंगर से ही ये बहुत इजीली आँखों में ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि इसका टेक्सचर ही काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और ब्लेंड भी काफ़ी आसानी से हो जाता है। वन ऑफ माई फेवरेट आई शेडो पैलेट है। आँखों के ऊपर लाइन इस तरह से खींचने के लिए मैं पर्पल का कोहल आई पेंसिल
आई मीगो मेड इन जर्मनी पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा एक ब्राउन शेड है जो कि बहुत नेचुरल दिखता है। और कभी कभी ना काले से हटकर आप इस तरह के शेड ट्राई करिएगा, आपके मेकअप में एक अलग सा लुक आएगा। ये बहुत ही पिगमेंटेड है और इजीली ब्लेंड हो जाता है, जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं इजीली इसे लगा पा रही हूँ। एक बार आप भी ट्राई करिएगा, ये बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है और आँखों का जो मेकअप है उसे भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं स्टे क्वर्की का आई लव यू ट्यू काजल, जो कि वाटर रेजिस्टेंस मच प्रूफ एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड तो है ही है, पर यह है वाइट कोहल, जिसकी वजह से आंखें काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगती है और थकी हुई नहीं लगती। डिफरेंस आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। एक बार इस तरह से आप आई मेकअप करके देखिएगा, आपको बहुत हटके और यूनिक लगेगा। और अपने आई मेकअप को कम्प्लीट करने के लिए पर्पल का मस्कारा मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। यह है थिक एंड थिन वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा, जो कि लैशेज को इंस्टेंटली वॉल्यूम देता है। और आप देख सकते हैं मेरी लैशेज काफ़ी उभर कर आ रही है। सो अगर आपकी छोटी छोटी लैशेज है तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, जो कि है पर्पल का पावर कपल 2-in-1 ब्रॉन्जर शेड में से ये हाइलाइटर, जिसे मैं अपने हाई पॉइंट्स पर लगा रही हूँ, जैसे कि चिक्स पर, नोज ब्रिज पर, फोरहेड पर। ये एक फिनिश लुक होगा, इसलिए मैं इस तरह से इसे लगा रही हूँ। और ये काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बेस्ट पार्ट की ये नेचुरल लगता है और हाँ बहुत लॉन्ग लास्ट भी है। लिप्स के लिए मैं यहाँ पर पर्पल का कैंपिंग चैम्पियन ये वाला जो शेड है इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, 6 नंबर है। ये बहुत ही प्यारा एक पिंकिश मूवी शेड है, जो कि एवरीडे शेड है। या फिर कई बार होता है ना कि आप हेवी सा मेकअप लुक करते हो तो आपको ज़्यादा ब्राइट सा लिप शेड लगाने का मन नहीं होता है, तो तब आप इसे लगा सकते हो। ये मैट फिनिश के साथ आता है, लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। बेस्ट पार्ट की स्मच प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट है। यस, ये बात मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है। और इसका ये जो मैट फिनिश है ना, ये ऐसा ड्राई या पैची बिल्कुल नहीं है। और आपने देखा ना, मेरा ये लिप शेड ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है, इसका मतलब मैंने कितना ज़्यादा इसे पसंद किया है और इस्तेमाल किया है। मेरे मेकअप का फाइनल लुक देखने से पहले मैं आपको बता दूँ, सारे जितने प्रोडक्ट्स आज मैंने इस्तेमाल किए उनकी परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेल चल रही है मेकअप स्टेशन अप टू 50% ऑफ वाली, जहाँ पर आपको हर मेकअप प्रोडक्ट पर या ब्यूटी प्रोडक्ट पर 50% ऑफ तो मिल ही जाएगा, प्लस 10% ऑफ का कूपन कोड मैं दे रही हूँ। और इतना ही नहीं, 5 लाख कैशबैक फॉर 10,000 लकी विनर इफ़ दे विश लिस्ट अनटिल 20th April अप टू 1,000 पर यूज़र क्रेडिट इन पर्पल वॉलेट। जी हाँ, ये बात को एकदम ध्यान से समझ लीजिए। ऑल्सो गुड ऑफर्स आर रनिंग ऑन स्टैम्प कलेक्शन एंड डेली रिवॉर्ड, सो डू चेक आउट। काफ़ी अच्छी ऑफर है, मिस मत करिएगा। चलिए देखते हैं मेरा फिनिश लुक। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं तैयार हो चुकी हूँ। सारी जो प्रोडक्ट के ऊपर इस समय purple.com पर ऑफ़र चल रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, चेक ज़रूर करिएगा अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको ख़रीदना हो इनमें से जो भी आज मैंने इस्तेमाल किए थे। आई होप कि आपको ये मेरा मेकअप लुक अच्छा लगा होगा और कुछ टेक्निक्स मैंने जो बदली है वो भी आपको अच्छी लगी होंगी।
तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे भी जानने में आपके व्यूज़ हेल्प होंगे, ठीक है। एंड वंस अगेन दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू जो आप इतने सालों से मेरे इस चैनल पर हमेशा अपनी प्यार की बरसात करते आए हैं, और स्पेशली मेरे बर्थडे पर या घर में किसी का भी बर्थडे हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार बरसाते हो। सिर्फ थैंक यू बोलकर वैसे तो बोलते हैं ना कि इनफ नहीं होगा, बट मैं दिल से आपको शुक्रिया कर रही हूँ। सो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप मुझे पूछे कि ये ब्यूटीफुल साड़ी कहाँ से है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो ये मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजा था, और इसके बारे में डिटेल्स मैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही वीडियो के थ्रू सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ गाइस, बाय, टेक केयर।